नमस्कार, टीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। सरकारी राशन दुकानों से मिलने वाला चावल अमीरों के हिस्से में जा रहा है। ये चावल गरीबों की भूख न मिटाकर बड़े व्यापारियों को मालामाल कर रहा है। ऐसा ही मामला भोपाल में फिर सामने आया है। चक्की चौराहा क्षेत्र में गरीबों से चावल खरीद रहे कुछ लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया। सांस्कृतिक बचाओ मंच से जुड़े कार्यकर्ताओं ने पुलिस के हवाले भी कर दिया। हालांकि इस मामले में कोई एक्शन नहीं हुआ है। अफसरों का कहना है कि चावल सरकारी दुकान से कालाबाजारी करते हुए नहीं खरीदा जा रहा था, बल्कि आम लोगों ने खरीदा था और किसी को अनाज बेचने से नहीं रोक सकते। वहीं आपको बता दें, संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि चक्की चौराहा क्षेत्र में कुछ व्यक्ति ऑटो में आए और लाउडस्पीकर से लोगों से चावल बेचने का कह रहे थे। इन्हें रोक कर पूछताछ की गई। शंका होने पर टीटी नगर पुलिस के हवाले भी कर दिया गया, लेकिन कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। हालांकि अब इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि गरीबों के हक का अनाज अमीरों के हक में जा रहा है। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहें टीवी न्यूज़ में।